हेलो व्यूअर्स, पनीर डोडी या पनीर के फूल के फायदे। डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है पनीर के फूल। ऐसे कंट्रोल करते हैं शुगर को और पनीर डोडी को लेने का तरीका। देखा जाए तो खराब लाइफस्टाइल और खान पान के गलत तरीकों की वजह से हम में से कई लोग मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी से घिरे हुए हैं। डायबिटीज आजकल में सामान्य बीमारियों में से एक है, लेकिन अगर इसका सही समय पर सही इलाज नहीं किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। डायबिटीज को बॉडी में कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की जड़ माना जाता है और जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ने लगता है। इंसुलिन की असंतुलित मात्रा की वजह से मोटापा और हृदय से जुड़े रोग होने की संभावना रहती है। हालांकि ये बात सही है कि मधुमेह की बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सही इलाज से इसे काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए विशेषज्ञ कई तरह के घरेलू उपाय भी सुझाव करते हैं। इन्हीं में से एक है पनीर डोडी या पनीर के फूल। इसे इंडियन रेनेट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पाया जाने वाला ये पौधा अपने औषधीय गुणों के कारण जाना जाता है और डायबिटीज से लड़ने में महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने आज तक इसके बारे में नहीं सुना है तो आइए जानते हैं पनीर डोडी या पनीर के फूल क्या होते हैं और ये कैसे डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। पनीर डोडी में होते हैं शामक और मूत्रवर्धक गुण। नीर का फूल सोलानसे आए परिवार का एक फूल है जो कि मुख्यतः भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में पाया जाता है और कई आयुर्वेदिक दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इसका स्वाद और सुगंध दोनों ही करवाट से भरी होती हैं और शायद इसके लिए ये डायबिटीज को नियंत्रित करने का काम करती है। पनीर के फूल में शामक और मूत्रवर्धक गुण होते हैं। अनिद्रा और घबराहट में भी है असरदार। डायबिटीज के अलावा ये अनिद्रा, घबराहट और अस्थमा से लड़ने में सहायक होता है। विशेषज्ञों की माने तो ये फूल बॉडी में इंसुलिन के बेहतर उपयोग के लिए पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को हील करने का काम करता है। अगर कम मात्रा में ही इसे रोज लिया जाए तो ये इंसुलिन को संतुलित रखता है। हालांकि अगर आप इसका सेवन शुरू कर रहे हैं तो बेहतर रिजल्ट के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप पनीर डोडी का सेवन कर रहे हैं तो इन चीज़ों का सेवन करने से बचें। बिस्किट, मिठाइयाँ और प्रोसेस्ड फूड जैसे आहार से किनारा करना होगा। इसके साथ साथ एक्सरसाइज करके और संतुलित आहार लेकर आप इस औषधि का बेहतर लाभ उठा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। रोज रात को सोने से पहले 10 से 12 फूल एक कांच के गिलास में डालकर पूरी रात के लिए छोड़ दें। फिर सुबह खाली पेट इस पानी को छानकर पी जाएं। संतुलित आहार और पनीर के फूल की मदद से हम निश्चित तौर पर इंसुलिन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको आसानी से किसी भी पंसारी की शॉप या मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है पनीर के फूल कंट्रोल करते हैं शुगर को। व्यूअर्स, आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, शेयर करें उन लोगों से जिन्हें इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।